हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिफास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी थ्रेड चिकन। यहाँ मेरे पास है चिकन जिसे मैंने अच्छी तरह से हैमर से फ्लैट कर लिया है, गार्लिक पेस्ट, चिल्ली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, विनेगर, कॉर्नफ्लावर, मैदा, सॉल्ट, शुगर, चिकन स्टॉक क्यूब, 1 egg। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हमारे चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें अब हम डालेंगे गार्लिक पेस्ट, चिली गार्लिक सॉस, शुगर, सॉल्ट या नमक और एक चिकन स्टॉक क्यूब क्रश। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, विनेगर और इसे मैरिनेट करने के रख देंगे कम से कम 5 से 6 घंटों के लिए। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे रेड फूड कलर, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और मैरिनेट करने रख दें। हमारे चिकन मैरिनेट करके बिल्कुल तैयार है। इसमें हम डालेंगे अंडा, कॉर्नफ्लावर, मैदा और इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप ये इंग्रेडिएंट्स चिकन कोट करने से जस्ट पहले डालेंगे और कोटिंग स्टार्ट करेंगे। इससे आपकी चिकन क्रिस्पी रहेगी और सॉगी नहीं होगी। यहाँ मैंने जो हमारी नॉर्मल समोसा पट्टी होती है उसे इस तरह से स्ट्रिप्स या स्ट्राइप्स में कट कर लिया है। इसे हम इस तरह से कोट करेंगे। अब हम हमारी चिकन को फ्राई कर लेंगे। यहाँ अब आपको चिकन को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा या हॉट होगा तो आपकी चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से आपकी समोसा पट्टी जल जाएगी। क्रिस्पी चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें कि जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल पाए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।